हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नकल्स लाइफ। तो आज मैं करने जा रही हूँ पेंटिंग पहली बार कैनवस पर। तो ये रहा कैनवस जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है अमेजोन से। तो इसका साइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। और ये कैनवस काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका साइज़ भी अच्छा है, प्राइसिंग भी अच्छा है। मैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके साथ साथ में कुछ एक्रेलिक कलर्स मैंने ऑर्डर किया। ये कैमल्स के एक्रेलिक कलर्स हैं। सच बोलूँ तो मेरी पेंटिंग बिलो एवरेज है और मुझे उतना पेंटिंग करना नहीं आता। मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं क्या सुरूर चढ़ा है, तो ट्राई करते हैं। अभी देखते हैं कि क्या होता है, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो यहाँ पे मैं कलर्स को कुछ स्टाइल में डाल रही हूँ। आई डोंट नो क्या मैं कर रही हूँ, बट सीरियसली मतलब अभी मैं इसको पेंट कर रही हूँ। मैंने जो ऑर्डर किए थे ब्रश वो कैंसिल हो गए थे, तो मुझे री ऑर्डर करना पड़ा। और इसके बाद से बहुत टाइम लग रहा था उसको आने में। तो यहाँ पे जो मैंने ब्रश यूज़ किया है वो 7 to 8 सेट का मेरा मेकअप ब्रश है। और मैं मेकअप उतना करती नहीं हूँ, तो ये ब्रश पड़े हुए थे। और इनके जो ब्रश है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आई थॉट कि इसको यूज़ कर सकते हैं जब तक वो पेंट ब्रश जो मैंने ऑर्डर किया वो नहीं आ जाता। तो प्लीज़ डोंट लाफ। और इस पेंटिंग का ट्यूटोरियल मैंने एक ब्रदर के चैनल पे देखा था यूट्यूब में, वहीं से इंस्पायर होके मैं ये पेंटिंग बना रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये पेंटिंग बनाना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिलैक्सिंग था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा 2 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता नहीं चला। और इसके बनाने के बाद मुझे जो सेटिस्फैक्शन और खुशी मिली एक अलग तरीके से, वो बहुत ही डिफरेंट था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक नई चीज़ है जो कि मैंने एक्सप्लोर करी और मुझे लगा कि शायद मैं कर सकती हूँ। तो मैं इसको सीखने वाली हूँ और ट्यूटोरियल और लेने वाली हूँ। मैं आप लोगों को भी इंकरेज करूँगी कि आप लोग भी एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को। और जब आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को तो आपको अपने बारे में पता चलता है। आपको पता चलता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्या आपको सेटिस्फाइंग है और किस चीज़ से आप रिलैक्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सप्लोर करना। तो ये पेंटिंग मैं बना तो रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये कैसे निकल करके आएगा और लास्ट में ये कैसे दिखेगा। बस मैं अपना 100% दे रही हूँ और फ्लो में बस बनाते जा रही हूँ जैसे मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस पेंटिंग में मैं विंटर सीजन को दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैंने थ्रेड लिया है जिस पे मैंने वाइट पेंट एक्रेलिक पेंट लगा दिया है। और इस तरह से मैं मोटे मोटे एक लाइंस बना रही हूँ जो कि ट्रीज़ को रिजेंबल करता है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि अमाउंट ऑफ कलर कितना लेना है। तो यहाँ पे बस मैं अपने गेस के हिसाब से कलर यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं एक रैंडम कार्ड के हेल्प से ट्रीज़ के ब्रांचेस को बना रही हूँ। इसके ब्रांचेस जो मैं बना रही थी वो मुझे उतना अपीलिंग नहीं दिख रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा करेक्ट करा और यहाँ पे ब्रांचेस मैंने नीचे से स्टार्ट किया, तो ये जाकर अच्छा लग रहा था। अभी यहाँ पे मैं अपनी पूरी टैलेंट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि मुझसे कभी भी कोई भी एनिमल नहीं बनता। यहाँ पे मैं वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ और आप देखिए कैसा बना है। एंड फॉरगिव मी फॉर माई बैड आर्ट। पेंटिंग बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी सारा पेशेंस भी चाहिए होता है, तो एक तरह से अच्छा है, माइंड शांत रहता है और गुड फील होता है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया इसको बनाने में, सोचने में और इसको अच्छे तरीके से डिफाइन लाइंस अच्छे से देने में, बट आई रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इन्वॉल्व हो गई थी पेंटिंग में और बहुत अच्छा टाइम गया मेरा। एक्रेलिक कलर की खास बात है कि जब ये ड्राई हो जाता है तो इधर उधर लगता नहीं है, मतलब फैलता नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर दूसरा कलर आप यूज़ करेंगे तो ये फैल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा ये एनिमल बन गया है जो कि डियर जैसा लग रहा है थोड़ा, और ये मेरा 100% है। इससे ज़्यादा अच्छा शायद मैं बना पाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद, और ये मैं उतना प्रैक्टिस से नहीं बना रही हूँ, तो यही जो है सो है। तो यहाँ पे मैं अभी दोबारा से इसको फिल कर रही हूँ, थोड़ा डार्क कर रही हूँ कि ब्लू कलर जो अंदर डार्क कलर है वो दिखे ना और ये थोड़ा सा वाइब्रेंट रहे।
तो यहाँ पे मैंने कर दिया। और इसके नीचे मैं सोच रही हूँ कि अभी एक स्नो जैसा कुछ फील लाने के लिए, स्नो लैंड जैसा एक फील लाने के लिए मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ये पैट कर करके अपना वाइट एक्रेलिक कलर को यूज़ कर रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप पहली बार कलर कर रहे हैं तो आप एक वाटर का ग्लास अपने पास हमेशा रखिए, क्योंकि एक्रेलिक कलर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ड्राई हो जाता है। और तो अगर आपके पास वाटर का ग्लास रहेगा तो हल्का हल्का ब्रश को मोइश करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि इस डियर को ट्री के पीछे होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रही हूँ, ठीक कर रही हूँ, इसको पीछे लाने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत सारे करेक्शन जो मुझे लगा कि फिनिशिंग देने के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे करेक्शंस मैं बहुत बारीकी से कर रही हूँ, अपना पूरा 100% देके कि इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगे। तो टेंटेना पेंटिंग रेडी है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो ये है पेंटिंग, तो बताइए कैसा है ये। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस पेंटिंग से। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।